दोस्तों आज हम आए हैं इंदौर में लगे जो है फोर्थ फार्मटेक एशिया के बहुत बड़े एग्जीबिशन में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है ये, और जिसमें कि खेती किसानी से संबंधित, बागवानी से संबंधित कई तरह की जो प्रदर्शनियां लगती हैं और जो नई नई तकनीक आती हैं उनसे रूबरू करवाने के लिए किसानों को, हमारे किसान भाइयों को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इस एक्सपो में, मेले में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ आज जो है क्या कुछ नया देखने को हमें मिलता है। आपको भी हम इस प्रदर्शनी की आज सैर करवाने वाले हैं, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एंट्री करते ही अंदर इस तरह से देखिए बहुत ही भव्य जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दूर दूर से यहाँ इस प्रदर्शनी में, इस मेले में किसान भाई भी आते हैं और तकनीक से संबंधित या फिर कृषि जगत से संबंधित कोई भी जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे कि लोगों तक, बहुत ज़्यादा किसानों तक वो चीज़ें पहुँच सकें। और एंट्री करते से ही यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक इस तरह से एक स्लिप आपको दी जाएगी, उस स्लिप को आपको भरना है और उसके बाद ही आपको इस गेट से जो है एंट्री मिलेगी अंदर जाने के लिए। और ये स्लिप आपको भर के कहाँ डालनी है वो भी आपको बताता है। और ये जो यहाँ पर बॉक्स है, आपको स्लिप इसमें डालनी है। हाँ। और ये क्या होगा इसके बाद? बस ये सर पूरी इंफॉर्मेशन हमें बताइए। अच्छा, इसका मतलब लकी ड्रॉ वगैरह के हिसाब से? अच्छा अच्छा, रखा है सर हमने अंदर। चलिए थैंक यू। तो अभी यहाँ से एंट्री करते हैं। चलिए पूरे इस मेले का, प्रदर्शनी का, आपने बहुत सारे मेले देखे होंगे गाँव में, लेकिन ये एक बहुत ही अलग किस्म का मेला है और जहाँ बहुत ही कुछ नया नया, देखिए आप देख सकते हैं, पूरा व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरे से, किस तरह से व्यवस्था की गई। देखिए कृषि जगत कितना बड़े स्तर पर जो है जा चुका है और जो है किसान प्रधान हमारा देश है वैसे भी, और देखिए किस तरह से कृषि को बहुत ही उन्नत बनाने का प्रयास लगातार जारी है। और जो सरकारें आती हैं उनका भी दावा हमेशा होता है, और वर्तमान जो सरकार है वो कृषकों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है, उसी की एक वानगी आप देख सकते हैं। और देखिए शुरुआत करते हैं, ये नेशनल एग्रो इंडस्ट्री है जो ये कंपनी है, और इसके द्वारा जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया, तो देखिए दोस्तों आपको दिखाएं, ये एक मशीन है। बहुत ज़्यादा तो हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी देख के आपको बता रहे हैं जितना जानते हैं कि ये जो है बुआई करने की मशीन है। इसकी सहायता से जो है किसान बहुत आसानी से खेत में जो बीज बोते हैं, जिसके बाद फसल तैयार होती है और आप तक पहुँचती है। और यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं उतरती हैं मैदान में अपने अपने सारे प्रोडक्ट्स लेकर, और उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगती है, जिससे कि किसान भाइयों तक उसकी जानकारी पहुँच सके। जी, ये एक रोटो कल्टीवेटर का स्टॉल है, ये कंपनी नागपुर की है। जी जी। और ये अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में अभी कंपनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो प्लाऊ वगैरह इस्तेमाल रोटेट करने के लिए, मिट्टी के लिए करते हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंट इजाद की है। और ये कंपनी दक्षिण भारत की लीडिंग ब्रांड है, एमपी में पिछले 2 सालों से इन्होंने इंट्रेंस किया और अच्छा कामकाज अभी किया। दोस्तों इस मेले में, प्रदर्शनी में हम लगातार घूम रहे हैं और देखिए यहाँ पर दूर दूर से, आप कहाँ से आए? के पास के गांव है सर, यहाँ दूर से तो नहीं है। कहाँ से, कौन से? अम्मामूलिया गांव है सर। अच्छा अच्छा, ये बाबुल मर्दान का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है, हम लोग यहीं इंदौर की हैं, तो उसके पास में गाँव है सर। तो आप किसानी, खेती किसानी, किसान मेले मेले में आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मेले में अच्छा लग रहा है, मेले में अच्छा लग रहा है। कल कृषि मंत्री जी भी आए थे, उनसे बात हुई, कल भी आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कमल पटेल जी से ही बात हुई हमारी, किसानों से भी लिया हमने। और अभी आज लहसुन और प्याज में बहुत तकलीफ है, भाव कम है, कोई निर्यात करो कहीं भी करो हमारा, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अभी ये जो मेला है, ये प्रदर्शनी है, ये आपके लिए कितने काम की है बता सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, एक अच्छा प्रयास है, मेला चला।
मेला अच्छा, मेला ये किसानों के हक में है और बहुत बढ़िया रहा सर। यहाँ का वातावरण भी बहुत बढ़िया है और सब किसानों के संबंधित सारी चीज़ें अच्छी, सब चीज़ें मिल रही हैं, सब चीज़ें मिल रही और इस तरह के मेले लगते रहना चाहिए। हाँ, लगते रहना चाहिए, बार बार लग, दो दो चार चार महीने में लगना चाहिए सर, दो चार चार महीने, है ना, क्योंकि उससे किसानों को कोई नुकसान नहीं, उससे फायदा ही मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और समस्या अपने सब पूरी समाधान है अपनी, और संतोष पटेल अंबामोली, आपका शिव नारायण जी जागीरदार अंबामोली, अनिल चौधरी, अनिल चौधरी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने। और देखिए दोस्तों, यह है सिम्पसन कंपनी और इसका भी स्टॉल यहाँ लगा हुआ है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करें, मिनी ट्रैक्टर जिसे कहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश तो हम करेंगे ही बहुत सारी, लेकिन इसको आप देख सकते हैं एक बार, एक इसका जो है आप एक छोटा सा व्यू आप इसका देख सकते हैं। देखिए तकनीक जो है कितना ज़्यादा आगे जा चुकी है और जो है हमारे किसान भाइयों को, हमारे कृषि को कितना उन्नत बनाने का प्रयास है। जब हम घर से निकलते हैं तब हमें पता चलता है। तो यहाँ सौरभ नंदी जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हम तो ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे। आप हमें नमस्ते, मैं सिम्पसन एंड कंपनी से हूँ। सिम्पसन एंड कंपनी है, पुराना कंपनी है इंडिया की जी, वो 170 साल से इंडिया पे काम कर रही है। ये पहले इंजन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। हमारा ग्रुप का जो टैफे ट्रैक्टर, आईचर ट्रैक्टर, ये हमारा ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो अभी कंपनी ने सोची है छोटा किसान के लिए कुछ किया जाए जी, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, मिनी पावर टिलर टाइप का ही टिलर है। तो इसमें आप किसान में एक ही मशीन से, मल्टी फंक्शन है, एक ही मशीन से सभी काम निकल सकते हैं। ओके, अगर आपको सूखा खेती जोताई करना है वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो ब्लेड लगा है, ये ब्लेड के साथ आप किसान के नॉर्मल जहाँ पे मिट्टी में मॉइस्चर रहेगी उसमें आप ये चलेंगे तो काम कर सकते हैं। जहाँ पे मिट्टी हार्ड होगी तो ये चेंज करके आपको ये वाला लगाना पड़ेगी। हाँ, अटैचमेंट, ये सब अटैचमेंट में आती है। अगर कोई किसान को आलू उठाना होगा, आलू निकालना होगा, तो ये दोनों तरफ टायर का चक्कर खोल के लोहे का चक्कर लगाना पड़ेगी। दोनों तरफ टायर का चक्कर निकाल के इसको लगाना पड़ेगी। पीछे का जो ये है गेस्टेक बोलते हैं इनको, इनको निकाल के पोटैटो डिगर लगाना पड़ेगी, तो ये आलू निकल सकती है। तो और भी क्या काम कर सकते हैं, प्लाउइंग करना है तो कोई किसान ने प्लाउइंग भी कर सकते हैं। ओके, कोई किसान को अगर बांध बनाना होगा तो वो बांध भी बना सकती है। तो उसी टाइम इसको लोहे का चक्का, आयरन व्हील को इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि टायर में ज़्यादा ग्रिप नहीं मिलती है तो इसमें ज़्यादा ग्रिप मिलेगी। अगर किसी को नाला बनाना होगी तो वो नाला भी बना सकती है। ओके, और ये मशीन का हैंडल बार एडजस्टेबल है, किसान का हाइट का हिसाब से आराम से आप हैंडल बार एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम लोग का इंडिया पे आप जितना सारा देखेंगे सभी है फ्रंट एंड टिलर और वीडर, वो है सभी सारे का सारा चाइनीज है। ओके, ये हमारा मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, रेयर टाइन है, जो कोई लेडीज लोग, बच्चा लोग भी आराम से फील्ड में चला सकते हैं। ये एक घंटा में 800 ml का पेट्रोल जलेगी और आपका 3 घंटा में 1 acre का जोताई कर लेगी। पेट्रोल से चलती है। 8 horsepower का इंजन है। ओके, ये मशीन का 2 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ओके, और इसके स्पेयर पार्ट्स फिर बाद में, स्पेयर पार्ट सब बाद में आपका अवेलेबल है। हमारा यहाँ पे जो डीलर है इंदौर में और ऑल ओवर इंडिया पे जो डीलर है उनके पास सारे के सारा। दोस्तों, ये फार्मटेक एशिया की प्रदर्शनी जो है इंटरनेशनल, इसमें हम लोग हैं और कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ, बहुत कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा दें। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आई हैं जो अपनी अपनी जो है प्रोडक्ट्स हैं जो भी लेकर आई हैं किसानों की जो है कृषि को बहुत आसान बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर ड्रिप सिंचाई के लाभ बताए गए हैं, प्रभावी खरपतवार से नियंत्रण, तेज़ी से उत्पादन में वृद्धि, फसल की गुणवत्ता देख सकते हैं, मिट्टी के पोषक तत्वों में सुधार, सिस्टम के जो है अपना, जो आपका जो स्टॉल है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। नमस्ते सर, हमारा जो स्टॉल है वो ट्रू खेती का हमारा स्टॉल है। हम लोग क्या है सर, बेसिकली डील करते हैं ड्रिप इरीगेशन में और मल्चिंग में, ठीक है, क्योंकि सर ड्रिप इरीगेशन एक आधुनिक खेती का पार्ट है और जो मल्चिंग है वो सर क्रॉप प्रोडक्शन और हाईटेक फार्मिंग का एक पार्ट है। ओके, तो हम लोग जो मटेरियल बनाते हैं ड्रिप इरीगेशन का 100% वर्जिन मटेरियल से बनाते हैं, अलग अलग रेंज में हम लोग बनाते हैं, अलग अलग थिकनेस, अलग अलग डिस्चार्ज के हमारे पास वेरिएंट है जो हम बनाते हैं। उसी तरह से सर हमारे पास मल्चिंग में अलग अलग वेरिएंट है, जैसे मल्चिंग की हम बात करें तो ये हमने सैंपल इधर लगाया हुआ है, तो ये सर हम लोग ये पूरा वर्जिन मटेरियल से हमारा पूरा बनता है। ओके, वर्जिन आप ये मटेरियल देखेंगे सर, पूरा वर्जिन मटेरियल है सर हमारा,
और ये क्या खासियत है इसकी? सर ये खासियत क्या है, ये सर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये क्रॉप को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद में जो वाटर लॉसेस हैं, फर्टिलाइजर लॉसेस हैं, और वीड्स कंट्रोल करता है सर। मेन इसका काम है वीड्स कंट्रोल करना, और जो हम पानी के साथ में जो वेपराइजेशन होकर हमारे जो खाद और वो सब उड़ जाता है, वो सर इसका मेन काम है। और वीड्स को कंट्रोल करता है, फर्टिलाइजर को सेविंग करता है, पानी को सेविंग करता है, अच्छा प्लांट लाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये ड्रू खेती नाम है, ये बहुत ज़्यादा कैची है, बहुत अच्छा लगा हमें सर। ये तो नाम ये बहुत मतलब सोच समझ के हमारे डायरेक्टर साहब हैं जी विपिन सर यहाँ अवेलेबल हैं, तो उन्होंने उनका एक मिशन था और विजन उन्होंने लिया था कि मैं ड्रू के नाम से, मतलब ड्रू नाम इसलिए रखा गया है कि सच्चाई, हम सच्चाई के साथ लोगों की सेवा कर सके और सच्चे प्रोडक्ट मार्केट में ला सके, इसलिए हमने हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का नाम संवर्धन ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन ये जो प्रूफ खेती है वो हमारा ब्रांड है। देखिए आपने वीडियो ग्राफिकल ड्रोन तो देखा ही होगा, ड्रोन के बारे में बहुत सुना होगा, ये एक बहुत ही स्पेशल ड्रोन आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक ड्रोन यहाँ बना गया है, जो कि ये दवाओं के साथ छिड़काओं के लिए फिट गया है, और ये लाइनर है कंपनी का, लक्ष्मी मेट्रे से नाम से जाना जाता है, करीब 500 माइक्रोन का। ओके, और अपने पास ब्लैक कलर में भी है, ब्लू कलर में भी आता है, और इसकी जो लाइफ है वो 15 साल तक अच्छा चलता है। क्या काम क्या करता है, किस चीज़ के लिए? वाटर स्टोरेज के लिए काम में आता है। ओके, उसके बाद अगर फिश फार्मिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है हमारे किसान? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कैसा लग रहा है संजय जी? बहुत मजा आ रहा है, देखने को भी बाकी है, बहुत सारा चीज अभी है। अभी तक जो घूमा आपने उसमें क्या लग रहा है आपको? बहुत कितनी नई नई टेक्निक से कितना नया इम्प्रूवमेंट हो चुका है खेती में, सोच नहीं सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए आप लोग भी अगर हो सके तो आए यहाँ देख लें, इस तरह के एक्सपो लगते रहते हैं। पार्थ पाटीदार जी हमारे साथ है, आप बताएं अपने स्टॉल के बारे में, सर के बारे में। सर फार्मकार्ट हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस पर हम सारे कंपनीज की कृषि एग्री इनपुट्स होते हैं हम प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को, भी अफोर्डेबल प्राइसिंग में। हमारे पास इसके अलावा और भी कई सर्विसेज हैं, जैसे रेंट फॉर फार्म है, टिशू कल्चर है, मशीनरी इक्विपमेंट्स है, ये सब भी हम कुछ फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी एक और सर्विस है एग्री निदान सर्विस, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को एग्रोनॉमिक कंसल्टेंसी भी देते हैं। ओके, जिसमें जैसे कि फार्मर के क्रॉप में कोई भी समस्या आ गई है तो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो हम उसका उनको सोल्यूशन बताते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग, और हमारी जो एग्रीदान सर्विस है वो बिल्कुल फ्री है। ओके, हमारी एक सर्विस है ग्रैंड फॉर फार्म, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर अभी हमने 6 टाइप की चीज़ें अपलोड करके रखी है, वो भी पर आवर की प्राइसिंग से। हम इसमें इन फ्यूचर ड्रोन भी ऐड करने वाले हैं। ओके, तो हम किसानों को ड्रोन भी प्रोवाइड कर देंगे रेंट, मतलब इतने जो महंगे उपकरण रहते हैं वो किसान नहीं कर सकता और उसको रेंट पर आप दे रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। कैसे पहुँचे ये जो ऐप है, इस तक किसान भाई हमारे कैसे पहुँचेंगे, कैसे मिलेगा उन्हें? ऐप पे पहुँचने के लिए सिंपल है, आपको प्ले स्टोर खोलना है, प्ले स्टोर पे आप फार्मकार्ट लिखेंगे, ऊपर फार्मकार्ट इस टाइप से लिखेंगे तो हमारा जो ऐप है फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा। आपको इंस्टॉल कर देना है और ओपन करना है। ओपन करने पे आप फार्मकार्ट तक पहुँच जाएँ, और इसमें आप सारी कुछ जितने भी हमारे पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स बायो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे आप कुछ विजिट कर सकते हैं, और हम प्राइस भी शो करते हैं
ताकि आपको कोई मिसकन्फ्यूजन ना हो और कोई आपको कोई हिडन चीज़ नहीं है।